कॉमरेड राजा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज उन्होंने हमारी पूरी टीम को इतने गर्मजोशी के साथ उन्होंने रिसीव किया और हमारी काफ़ी अच्छी चर्चा हुई। ये बिल्डिंग में मैं पहले खूब आता रहता था और उनकी पूरी टीम के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। सीएम बनने के बाद शायद पहली मेरी विजिट, फिर मैं मेरी पहली विजिट है, लेकिन जब एनजीओ में मैं काम किया करता था तो उनकी वाइफ के साथ भी, कॉमरेड एनी राजा के साथ भी हम झुग्गी बस्तियों में खूब काम करते थे। सो बहुत पुरानी दोस्ती है, बहुत पुराना रिश्ता है। आज वापस इस बिल्डिंग में आके पुरानी यादें भी ताज़ा हुई और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके एज अ सीएम। सो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि सीपीआई ने अपना सपोर्ट अनाउंस किया है आम आदमी पार्टी नहीं, दिल्ली के लोगों के लिए। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का ये जनतांत्रिक अधिकार है, दिल्ली के लोगों का ये हक है कि जिस सरकार को, आज हमारी सरकार है कल किसी की भी सरकार हो सकती है, तो जिस सरकार को वो चुन के भेजें उस सरकार को काम करने की सारी शक्तियाँ होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। ये तो एक बेसिक जनतांत्रिक अधिकार है जिसको छीना गया है। तो आज सीपीआई ने अपनी सपोर्ट जनता के लिए, जनता के साथ दिल्ली के लोगों के लिए जाहिर की है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा, इसको जितना मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि ये अगर कोई किसी को ये लगे कि ये दिल्ली हाफ स्टेट है इसलिए दिल्ली के लिए ऑर्डिनेंस आया है, ऐसा नहीं है। ये इस किस्म का ऑर्डिनेंस राजस्थान के लिए भी आ सकता है, फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स इन द कंकरेंट लिस्ट। ये पंजाब के लिए भी आ सकता है, हरियाणा के लिए भी आ सकता है, तमिलनाडु के लिए भी आ सकता है, केरला के लिए भी आ सकता है। कोई भी फुल स्टेट की सरकार ये ना समझे कि ये दिल्ली का मामला है। दिल्ली से तो इन्होंने शुरुआत की है, दिल्ली एक प्रयोग है। अगर दिल्ली के में इसको नहीं रोका गया तो कल जहां जहां नॉन बीजेपी सरकारें बनेंगी वहां वहां उन स्टेट्स के लिए ऐसा ऑर्डिनेंस आएगा, मुझसे लिखवा लीजिए आप। तो सबको मिलके, पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को मिलके, सभी पार्टियों को मिलके इसका विरोध कर। इन्होंने केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही खारिज नहीं किया, इसमें 3 और ऐसी प्रोविजंस इन लोगों ने डाली है जिससे दिल्ली सरकार लगभग खत्म हो जाती है। इसके अंदर इन्होंने लिखा है कि अगर कोई मंत्री अपने सेक्रेटरी को कोई आदेश देगा तो सेक्रेटरी के पास ये पावर दे दी गई है, सेक्रेटरी डिसाइड करेगा कि मंत्री का आदेश लीगली ठीक है कि गलत है। अगर सेक्रेटरी को लगता है कि मंत्री का आदेश लीगली ठीक नहीं है तो सेक्रेटरी मंत्री का आदेश मानने से इंकार कर सकता है। ये दुनिया के अंदर पहली बार हो रहा है कि सेक्रेटरी को मंत्री का बॉस बना दिया। आपको 2 उदाहरण देता हूं, अभी पिछले हफ्ते हुए हैं दिल्ली सरकार में। विजिलेंस सेक्रेटरी को सौरभ भारद्वाज जी ने आदेश दिया वर्क एलोकेशन ऑर्डर की ऐसे ऐसे होगा। विजिलेंस सेक्रेटरी ने अपने आप को अब एक दिल्ली सरकार के अंदर इंडिपेंडेंट अथॉरिटी डिक्लेयर कर दिया है। वो कह रहा है कि इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद मैं ना तो चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह हूं और एलजी के प्रति भी जवाबदेह, मैं उस अथॉरिटी जो बनाई है उसके थ्रू जवाबदेह हूं। तो डे टू डे फंक्शनिंग के लिए विजिलेंस सेक्रेटरी कह रहा है मेरा कोई बॉस नहीं है, नाउ आई एम एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। तो इस एक और केस के अंदर एक जगह झुग्गियां टूटी, जो हमारा दिल्ली सरकार का वकील था उसने कोर्ट में बहुत कमजोर दलीलें दी, ऐसा लगा कि वकील दूसरी पार्टी से मिला हुआ है। मंत्री ने आदेश दिया कि अगली हेयरिंग में हमें कोई अच्छा सीनियर एडवोकेट हायर करना चाहिए, तो सेक्रेटरी फाइल पे लिखती है कि वकील हायर करने का प्रेरोगेटिव सेक्रेटरी का है, मंत्री मुझे आदेश नहीं दे सकता कि कौन वकील हायर करना चाहिए, इसलिए आपका आदेश इलीगल है, मैं आपके आदेश को नहीं मानती। ऐसे सरकार कैसे चलाएंगे? अब तो हर सेक्रेटरी ये डिसाइड कर रहा है कि कौन सा आदेश लीगल है और जिसको मर्जी इलीगल डिक्लेयर कर देते हैं, बस अब सेक्रेटरी की डिसीजन फाइनल है, वो सुप्रीम कोर्ट, हर सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया है। एक और इसके अंदर प्रोविजन है
चीफ सेक्रेटरी को ये पावर दे दी गई है कि वो डिसाइड करेगा कि कैबिनेट का कौन सा डिसीजन लीगल है और इलीगल है। कैबिनेट सुप्रीम होती है, जैसे देश की कैबिनेट सुप्रीम है, राज्य की कैबिनेट सुप्रीम होती है। अब इसके अंदर ये पावर दे दी गई है, चीफ सेक्रेटरी तय करेगा कि कैबिनेट ने अगर कोई निर्णय लिया तो चीफ सेक्रेटरी डिसाइड करेगा कि वो निर्णय लीगल है कि इलीगल है। अगर उसे लगता है कि इलीगल है तो वो एलजी को रेफर करेगा, और एलजी को पावर दी गई है, वो किसी भी कैबिनेट के डिसीजन को पलट सकता है। आज तक भारत के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि ब्यूरोक्रेसी को मंत्री के ऊपर सेक्रेटरी को बिठा दिया और कैबिनेट के ऊपर चीफ सेक्रेटरी को बिठा दिया। ये आज तक कभी नहीं हुआ। एक और इसके अंदर प्रोविजन है कि दिल्ली सरकार में जितने कमीशन हैं, जितनी अथॉरिटीज हैं, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज हैं, जितनी बोर्ड्स हैं, उन सब का गठन अब केंद्र सरकार करेगी। तो दिल्ली जल बोर्ड का गठन अब केंद्र सरकार करेगी तो वही चलाएंगे फिर वाटर सेक्टर। दिल्ली दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का गठन अब केंद्र सरकार करेगी तो वही चलाएंगे ट्रांसपोर्ट सेक्टर। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का, जितने लगभग 50 से ज्यादा कमीशन और अलग अलग सेक्टर्स के, वो सारे अब केंद्र सरकार गठन करेगी तो दिल्ली सरकार क्या करेगी? चुनाव क्यों कराते हो? तो ये बहुत ही खतरनाक अध्यादेश है। इसका जितना हम इसमें पढ़ रहे हैं, जितना इसके अंदर जा रहे हैं, उतना ये लग रहा है कि ये बहुत ही गलत नीयत के साथ बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने कई बार हराया है, बार बार हराया है, और इतनी बुरी तरह से हराया है। एक बार 3 सीट दी 70 में से, एक बार 8 सीट दी 70 में से, उसके बाद MCD के अंदर हराया। तो दिल्ली के चुनाव वो जीत नहीं सकते, तो बैकडोर के थ्रू वो दिल्ली को चलाना चाहते हैं, ये गलत है। जितनी भी पार्टियों ने सपोर्ट किया हमें, हम उन सब के शुक्रगुजार हैं। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हमें न्याय मिलेगा, और राज्यसभा के अंदर भी जब ये बिल आएगा तो इस बिल को हराया जाएगा।